अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आफिस वोबकार और आप देख रहे हैं SSA इंसानी चैनल। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब ने कमालिया जलसे में ऐसी गलती कर दी, शायद उनके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़े। इमरान ख़ान साहब ने अपने बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के साथ मिला हुआ है, और उसके बाद दूसरी बात की कि मेरी हुकूमत गिराने के बाद नैब को ख़त्म कर दिया जाएगा, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं और दीन के लिए कुछ किया नहीं। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बात करते हैं कि जलसा बहुत काफ़ी तादाद में थे लोग, काफ़ी अच्छा ग्राउंड भरा होता, और उन्होंने दावा किया कि इस्लामाबाद आज के जलसे 27 तारीख को मैं 10 लाख का मजमा लेकर आऊँगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 10 लाख के मजमे के लिए कम से कम 1 लाख कुर्सी लगाना ज़रूरी है, जो कि अभी तक नहीं लगी। शायद आगे लगा लें। तो आगे बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डीज़ल का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जरदारी का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बूट पॉलिश शबाश का कि जिन्होंने मुझे हरकत में लिया, उकसाया, मैं बाहर निकला और अपने टागरों को जोश में लाया। फिर वही नाजेबा हरकत जो कि जनरल बाजवा साहब इनको रोका था कि सियासत में ऐसी नाजेबा हरकत और ऐसे नाजेबा जुमले इस्तेमाल ना किया करें, इमरान खान के ऊपर असर नहीं पड़ा। इमरान खान ये जवाब देना चाहते हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज के साथ किया था, मैं भी कर सकता हूँ। ये एक फ़ौज को धमकी है उनकी, ऐसे समझा जाता है। अगर फ़ौज की बात ये मानकर रुक जाता तो शायद समझ जाता कि ये फ़ौज के साथ खड़ा है। बहरहाल उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में से जितना मैं बरतानिया की हुकूमत को जानता हूँ, इतना कोई नहीं जानता। जो बरतानिया में सियासत करके आ चुके हैं वो नहीं जानते, आप ज़्यादा जानते हैं। काफ़ी ऐसी बातें कर जाती है जो कम्प्लीटली नहीं होती, जिसका प्रूफ नहीं होता। जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर ज़िंदगी गुजार चुके हैं, उनके बच्चे वहीं हैं, उनसे ज़्यादा इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ बरतानिया की हुकूमत को। और उसके बाद कहते हैं कि मौलाना साहब दीन के नाम पर सियासत करते हैं और दीन के लिए कुछ किया नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जब हकूमत में थे, जब नवाज शरीफ की हकूमत के साथ अटैच थे, जब नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म नबूवत की सज़ा पर तरमीम करना चाहा, तो किसने आवाज़ उठाई? हम ये मजहबी तबका जो जानते हैं कि मौलाना साहब सियासत में हैं, तो इसी की वजह से और अल्लाह की फजलो करम की वजह से मस्जिद हमारे अभी तक ज़िंदा हैं, मस्जिद आबाद है, मदारस ज़िंदा हैं, मदारस आबाद है, और मदारस की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। मदारस को सपोर्ट है मौलाना साहब की। तो हम साथ जानते हैं, जितने भी मजहबी तबके हैं ये सब जानते हैं कि मौलाना साहब उनके लिए कितना अजीम सरमाया है। मौलाना साहब हमारे लिए हमारी जान से बढ़कर हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब के इतने हमारे ऊपर एहसानात हैं, हम सारी ज़िंदगी भी उतारना चाहे नहीं उतार सकते। तो इसके ऊपर बात करना भी नागुज़ीर है, हम मज़म्मत करते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि शबाश जूता सही पॉलिश करता है और सही चमकाता है। और उन्होंने कहा कि इनके जो है नौकरों के पास, नौकरों के अकाउंट में 16 करोड़ रुपए निकले हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो केस चल रहा है, कभी शहबाज की कमर में दर्द होता है, कभी शहबाज का वकील नहीं पहुंचता, ये बहाने बनाते हैं। वो कहता है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरी हुकूमत रही तो इनको मैं घसीटूंगा, इनको जेल के अंदर बंद करूंगा। मेरी मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये अपील है, ये सवाल है कि आपने 4 साल हुकूमत की, 4 सालों में क्या शहबाज शरीफ साहब को जेल में भेजा? जो आपके कारकुन हैं वो भी अब आपको कहने लग गए कि खान साहब बस कर दीजिए, ये जो आप 4 साल से यही नारा लगा रहे हैं करप्शन का, करप्शन का, करप्शन का, 4 सालों में अगर आवाम के बारे सोचते तो आज आवाम आपके साथ खड़ी होती।
इमरान खान साहब, 4 सालों में अगर आपको कोई करप्शन पारूफ करके वापस ना ला सके तो आप अगले सालों में क्या कर सकते हैं? ये अब आप अपना नारा बंद कर दीजिए, प्लीज़ कौम को जीने दीजिए। जो 150 रुपए किलो घी था, आज आपकी हुकूमत में 420 रुपए किलो बिक रहा है। गरीब आवाम अब क्या करे? गरीब आवाम अब तंग हो चुके हैं इमरान खान साहब। हम साफियों के ऊपर दबाव डालने के बजाय हम आप ख़ुद सोचें, साफ़ी जो होता है वो किसी की सपोर्टदारी नहीं करता। हमें ना अपोजिशन चाहिए ना हुकूमत वाले चाहिए, हमें वो चाहिए जो पाकिस्तान की खैर खई करता हो, जो पाकिस्तान के लिए मुफीद हो, जो पाकिस्तान की आवाम से प्यार। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत गिराने के बाद ये नैब को ख़त्म कर दिया जाएगा, नैब का जो अदारा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है जो कि इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो कि आज से कुछ अर्सा पहले फवाद चौधरी साहब ने लगाया था, और आज से कुछ अर्सा पहले जमशेद चीमा साहब ने लगाया था, और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना पाकिस्तान के इदारों को सियासत में मुलव्वस करना, ये एक अफसोस का मकाम है कि शायद इसके लिए इमरान खान साहब को भी माफ़ी मांगने पड़े। क्योंकि इमरान खान साहब को साफ साफ लग रहा है कि मेरे कारकुन मेरा साथ नहीं दे रहे और मेरी हुकूमत अब जाने वाली है, तो इसलिए ये कह रहे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब की इज़्ज़त और नफ्स अल्लाह के हाथ में है। वत इज़्ज़ु मन तशाओ तो ज़िल्लु मन तशाओ बियादिकल खैर, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो यहाँ पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, और आज देखते हैं कि इमरान खान साहब का जो जलसा है वो कितनी तादाद में है, और उसके बाद जो अदम इतमाद के वोट होंगे वहाँ पर देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको इज़्ज़त देता है। तो अगर हमारे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें ऐसे इंसान चैनल। फ़ी मानिल्ला। ऐसे ऐसे इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।